हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेट। आइए देखते हैं सेट क्या होता है और उससे रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं सेट होता क्या है। अगर मैं किन्हीं नंबर को, चाहे नंबर हो या इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो या किसी का नेम हो, कुछ भी हो, मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट ले लेता हूँ। जैसे कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट मैंने लिए, ठीक है दोस्तों, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। अगर मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट को इस टाइप की ब्रैकेट में क्लोज करके, बंद करके, एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दूं, इस सारे रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? सेट। अब इस सेट का कुछ ना कुछ नाम तो होगा। ये जो कैपिटल लेटर है, ये क्या है? ए। तो इस सेट को क्या बोलेंगे? सेट ए, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे बी होता तो ये क्या कहलाता? सेट बी। ये तो थी सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सेट की डेफिनेशन क्या होती है, आइए देखते हैं। सेट की डेफिनेशन मैंने ऊपर लिख रखी है। सेट की डेफिनेशन होती है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे डिजिट भी हो सकते थे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे किसी का नेम भी हो सकता था, कोई कंट्री नेम भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, ठीक है दोस्तों। वो क्या कहलाते हैं? मेरे सेट। अब कोई कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, जैसे ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये सेट कब कहलाएगी, ये सेट है क्या नहीं है, इसको चेक करने के लिए क्या कंडीशन होती है? किसी भी, कोई भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो सेट कब कहलाती है? जब उस सेट के बारे में, जैसे सेट है, जब उस सेट के बारे में हर एक पर्सन की राय क्या हो? सेम हो। हर पर्सन की राय क्या हो? सेम हो। बट कंडीशन क्या है? उस पर्सन को उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे इसी को समझते हैं। जैसे ये क्या है? सेट ए है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ए आई ई ओ यू क्या है? ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर वोवल होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ, ए इज ए सेट ऑफ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ, यानी कि ये सेट क्या है? वोवल का सेट है जो इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं, ये सेट है क्या नहीं है, आइए चेक करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, ठीक है, ये सेट है? अगर आपको पता है भी ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर वोवल है, तो आप बोल क्या बोलोगे? ये सेट है। आप चाहे इंडिया के किसी पर्सन से पूछ लो, पर कंडीशन क्या है, उसको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। वो देखते ही पहचान जाएगा ये क्या इंग्लिश अल्फ़ाबेट के में वोवल है। चाहे आप इंडिया से बाहर चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, ठीक है दोस्तों, तो ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल है, ये वोवल ही रहेंगे। आप चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाओ, तो ये क्या एक सेट है, क्योंकि हर एक पर्सन की राय इसके बारे में क्या है? सेम है। हर पर्सन इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल ही बोल लेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बोलेगा, अगर उसको पता है तभी। अगर आप किसी किसी अनएजुकेटेड पर्सन से पूछोगे, जिसने कभी, जो कभी स्कूल में नहीं गया, तो उसको नहीं पता ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो कंडीशन यही है, हर एक पर्सन की राय सेम होनी चाहिए, बट उसको उसके बारे में पता होना चाहिए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे एक सेट बी लेता हूँ मैं, और मैं किन्हीं तीन एक्टर का नाम लिख लेता हूँ, मैं अपने तीन फेवरेट एक्टर लिख लेता हूँ। जैसे मेरे तीन फेवरेट एक्टर हैं ऋतिक, ठीक है दोस्तों, रणवीर सिंह, ठीक है, और एक अक्षय कुमार, ठीक है दोस्तों। ये मेरे तीन कोई फेवरेट एक्टर हैं दोस्तों, ऋतिक, रणवीर सिंह और एक अक्षय कुमार। अगर मैं आपसे पूछूं भी आपके तीन कोई फेवरेट एक्टर क्या है, फेवरेट एक्टर लिखो, ऐसा जरूर नहीं है आपके भी तीन यही होंगे, ठीक है, आपके शायद आपके ऋतिक, सलमान और अमिताभ ये हों। आप इंडिया के हर एक पर्सन से पूछोगे तो उनकी राय अलग अलग होगी, आपके तीन फेवरेट एक्टर क्या है, वो मेरे ये हैं, आपके शायद ये हों, किसी और के ये होंगे। तो यहाँ पे क्या है, हर एक पर्सन की राय सेम नहीं है, यानी कि ये एक सेट नहीं है। ये सेट क्यों था? क्योंकि हर पर्सन की राय उसके ऊपर क्या थी? सेम थी, इसलिए सेट था। ये सेट क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर हर पर्सन की राय सेम नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं। तो ये तो थी सेट की डेफिनेशन। आइए अब कुछ स्टेटमेंट देखते हैं, उनको चेक करते हैं वो सेट है क्या नहीं। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, विच ऑफ द फ्लोविंग इज नॉट सेट, ठीक है दोस्तों। चार मुझे चार आंसर दिए हैं, इसमें से एक सेट नहीं है। आइए देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है, एक है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ, तो कितने मंथ होते हैं? आप कोई ए सेट लिखोगे और उसके अंदर जनवरी से लेकर दिसंबर तक लिख दोगे। आप चाहे इंडिया में किसी से पूछो, चाहे आप यूएसए में चल जाओ, कनाडा में चल जाओ, तो
कलेक्शन ऑफ मंथ 12 ही रहेंगी, सेम ही रहेंगी। तो ये क्या, ये तो एक सेट है। बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ डेंजर एनिमल। डेंजर एनिमल, अब डेंजर एनिमल की डेफिनेशन हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होती है, ठीक। कुछ लोगों को सांप से डर लगता है और कुछ लोगों को सांप से डर नहीं लगता, ठीक है दोस्तों। यानी कि डेंजर एनिमल, अगर मैं आपसे पूछूं कोई तीन डेंजर एनिमल लिखो, तो आप कुछ और लिखोगे, मेरे लिए डेंजर एनिमल कुछ और है, आपके लिए कुछ और है। तो इसकी डेफिनेशन हर एक पॉइंट पे चेंज होती रहेगी, यानी कि ये सेट नहीं है। ये सेट क्यों है, आइए देखते हैं। कलेक्शन ऑफ बॉय इन क्लास, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं सेवन्थ क्लास में आपकी क्लास में कितने बच्चे थे, ठीक है, अगर आपको याद होगा आप बोल दोगे 34। अगर आप किसी और लड़के से, आपकी जो सेवन्थ क्लास में पढ़ता था, मैंने कंडीशन बोल ली थी, बस उसको पता होना चाहिए, और आपकी क्लास में कोई लड़का पढ़ता था, उससे पूछोगे कितने लड़के थे, तो वो भी 34 ही बोलेगा। तो ये भी क्या एक सेट है। रिवर ऑफ इंडिया, रिवर ऑफ इंडिया, अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया में टोटल रिवर कितनी है, ठीक है, तो क्या है? जो मतलब जो रिवर के ऊपर रिसर्च करते हैं, नदियों के ऊपर रिसर्च करते हैं, उनको तो पता है, ठीक है। तो क्या है, रिवर ऑफ इंडिया भी क्या एक सेट है, ठीक है। हमें नहीं पता कितनी टोटल रिवर कितनी है, बट जो रिसर्चर हैं उनको तो पता है कितनी रिवर हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये भी क्या एक सेट है। तो इसमें बी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो सेट नहीं था, ठीक है। और ऐसे एग्जांपल मैं दे सकता हूँ जो सेट नहीं है, जैसे मैं आपसे पूछूँ वर्ल्ड के टॉप फाइव क्रिकेटर बताओ कोई, ठीक है। आपकी नज़र में कोई और क्रिकेटर है, फाइव टॉप क्रिकेटर कुछ और हैं, मेरी नज़र में टॉप फाइव क्रिकेटर कुछ और हैं, तो ये क्या एक सेट नहीं है। और ऐसे एग्जांपल हैं आप ले सकते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूँ वर्ल्ड के टॉप फाइव राइटर के नाम लिखो, तो क्या है वो सेट है, वो सेट नहीं है। आपकी नज़र में टॉप राइटर फाइव राइटर कुछ और हैं, मेरी नज़र में टॉप फाइव राइटर कुछ और हैं। तो इस तरह से आपसे सेट से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं टाइप ऑफ सेट, कितने टाइप के सेट होते हैं। सबसे पहले आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हों, काउंटेबल हों, गिने जा सकें। जैसे मैं आपको सेट बोलूँ, सेट ऑफ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने, पाँच हैं, ए आई ई ओ यू, आप इनको काउंट कर सकते हो, एक दो तीन चार पाँच, यानी कि जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट गिने जा सके उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट, ठीक है दोस्तों। और एग्जांपल ले लो, अगर मैं आपसे पूछूं सेट ऑफ मंथ इन ईयर, तो क्या होते हैं, 12 होते हैं, काउंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिस सेट में एलिमेंट को मैं काउंट ना कर सकूं। जैसे मैं एक सेट बोलूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हाँ जी, अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है तो नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 ऐसे चलते रहे, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है दोस्तों। अब इसकी एंड लिमिट कोई नहीं है, 3 4 5 6 कहाँ तक जाएगा, 1000 1 लाख, तो ये इसकी एंड लिमिट कोई नहीं, इसकी कोई एंड लिमिट कुछ ना हो, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, ठीक है। ऐसे उसके बाद आते हैं नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर आ जाते हैं, मैंने आपको बताया था होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी इनफाइनाइट नंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। और रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, ये सभी क्या है, इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम से पता चल रहा है, सिंगल, जिस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, सिंगल हो। जैसे एक सेट लिख रहा हूँ मैं, 2, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, इसके अंदर एक ही तो एलिमेंट है, 2, तो इसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन एलिमेंट। उसके बाद आ जाता है आपका एम्प्टी सेट, इसको एम्प्टी सेट ही बोल देते हैं और नल सेट ही बोल देते हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है एम्प्टी यानी कि खाली, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे ए सेट ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट है नहीं है, तो ये क्या एम्प्टी सेट है, ठीक है दोस्तों। ये इसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट, ठीक है। अगर इसके अंदर मान लो 0 होता, ये एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर 0 एक एलिमेंट है, ठीक है दोस्तों, इसको एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे। अगर सिर्फ ऐसा होना चाहिए, यही एम्प्टी सेट है, या तो इसको ऐसे लिखते हैं या इसको ऐसे लिखते हैं, दो तरह से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको एम्प्टी सेट समझ आएगा। उसके बाद आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं, जब दो सेट, मान लीजिए मेरे पास एक सेट ये रहा, 1 2 3, और बी सेट ये रहा, 3 2 1, ठीक है दोस्तों। जब दो सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 3, इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, और इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये भी क्या, 3, हाँ जी, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 3 है, ठीक है, और दोनों के एलिमेंट भी सेम है, इसमें भी 1 2 3 है और इसमें भी 1 2 3 है। जब इस तरह की कंडीशन आ जाए तो दोनों सेट क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है
इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या क्या कब क्या लाते हैं, मान लीजिए दो सेट लिख रहा हूँ मैं ए, एक दो तीन, और बी सेट लिख रहा हूँ चार पाँच छः, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, सेट ए के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तीन, और सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तीन। हाँ जी, दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, सेम है, ठीक है। बट नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, पर एलिमेंट तो सेम नहीं है। इसमें क्या है, एक दो तीन, और इसमें क्या है, चार पाँच छः, ठीक है दोस्तों। नंबर ऑफ एलिमेंट तो तीन तीन है, पर अंदर वाले एलिमेंट सेम नहीं है। तो इस तरह के एलिमेंट, इस तरह के सेट को क्या कहेंगे हम, इक्विवेलेंट सेट। आई होप आपको पता चला होगा इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या डिफरेंस है। इक्वल सेट में एलिमेंट भी सेम होते हैं, इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, अंदर वाले एलिमेंट सेम नहीं होते हैं। तो ये होते हैं कुछ सेट की टाइप। आई होप आपको समझ आएगा सेट क्या होता है और कोई भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट कब कहलाती है और उसकी क्या कंडीशन होती है, उसके बाद सेट के कितने टाइप होते हैं। थैंक यू वेरी मच।